हेलो दोस्तों वेलकम बैक टू टीम गार्ड लाइट तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ न्यू जनरेशन हॉन्डर सिटी इंडिया के टॉप टेन फीचर्स सो यहाँ पर टॉप टेन फीचर्स आपको क्या मिलने वाले हैं कंप्लीट डिटेल्स मैं आपसे शेयर करने वाले हूँ बने रहिए इस वीडियो के साथ टीम गार्ड लाइट को सब्सक्राइब भी कर लें बेलकिन को जरूर प्रेस कर दे फॉर ऑल द अपडेट्स एंड दोस्तों अगर आपके कोई भी डाउट्स या क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में सो यहाँ पे फर्स्ट फीचर की बात करें या फिर फर्स्ट के बारे में बात करें जिसमें होंडा सिटी एक्सेल करती है तो वो है तो स्कोर करी है, फाइव स्टार्स की। दोस्तों, जो फीचर है वो है कैमरा या फिर जिसे आप कहते हैं ब्लाइंड व्यू कैमरा और ये फीचर सेम आपने हॉंडर सेविक एंड सीआरवी भी देखा है तो लेफ्ट साइड जो ओर वी एम है विंग मिरर है उसके ठीक नीचे आपको एक कैमरा मिल जाता है जो कि ब्लाइंड स्पॉट का व्यू देता है तो यहाँ पे आप इसे मैनुअली भी इनेबल कर सकते हैं या फिर आप जब टर्न इंडिकेटर प्रेस करेंगे तो भी ये इनेबल हो जाता है ये लेफ्ट साइड का प्रॉपर आपको व्यू शो करता है जो कि ब्लाइंड स्पॉट की तरह वर्क करता है एंड इट इज अ वेरी गुड सेफ्टी फीचर एज वेल एंड नेक्स्ट आप गए यहाँ पे न्यू जनरेशन हॉन्डर सिटी आपको एक बहुत ही यूनिक एंड आउट ऑफ द बॉक्स एक फीचर ऑफर है जो कि किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं करा था तो यहाँ पे आपको मिलेगा दोस्तों जी मीटर जो कि हाई एंड परफॉर्मेंस व्हीकल्स में ही अवेलेबल रहता है तो बेसिकली ये कैलकुलेट करते हैं मैग्नीट्यूड जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हुई है साथ में कॉर्नरिंग ब्रेकिंग एंड सर्कुलर मोशन में अगर आप व्हीकल को चला रहे हैं तो भी आपको यहाँ पे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तो ये बेसिकली हाई एंड परफॉर्मेंस व्हीकल्स में अवेलेबल रहता है बट तो ये होंडा सिटी में भी दिया गया है एंड गाइज होंडा सिटी में ये जो जी मीटर ऐड करा गया ये फर्स्ट इन सेगमेंट फर्स्ट इन क्लास फीचर है इवन अब सेगमेंट व्हीकल्स भी अप टू फोर्टी लाख फिफ्टी लाख ये ऑफर नहीं कर रही एंड एंथोजियाज जो है कार एंथोजिया ऑटोमोबिल एंथोजिया दे विल लव दिस फीचर अब बात करते हैं नेक्स्ट फीचर के बारे में जो कि पे न्यू जनरेशन होंडा सिटी आपको ऑफर करेगी दोस्तों तो वो है थ्री एडजस्टेबल हेडरेस्ट रियर में सो so यहाँ पे रियर मिडिल पैसेंजर काफी ज्यादा कंफर्ट में रहने वाला है एंड नेक्स्ट ऑफ दोस्तों होंडा सिटी का कैबिन जैसे हम जानते हैं कि हमेशा से सबसे ज्यादा ज़्यादा कंफर्टेबल मिलता था आपको और ये इसका यूएसपी भी था अब न्यू जनरेशन हॉन्डा सिटी के साथ यहाँ पे डायमेंशन में प्लेटफॉर्म में कंप्लीट चेंजेस करे जा रहे हैं जो डायमेंशन में भी चेंजेस हैं तो यहाँ पे लेंथ भी इंक्रीज करी जा रही है और विथ भी इंक्रीज करी जा रही है यानी अब आपको यहाँ पे न्यू हॉन्डा सिटी का कैबिन मच मोर स्पेशियस मिल जाएगा सो न्यू हॉन्डा सिटी आपको 113 एंड mm थर्टीन लॉन्गर मिलेगी जो विथ है वो भी इंक्रीज करी जा रही है यानी कि विथ भी ज्यादा आपको मिलेगी बाई फिफ्टी थ्री mm, बट यहाँ पे हाइट डिक्रीज करी जा रही है और आपको व्हील बेस भी थोड़ा कम मिलता है एंड नेक्स्ट आप दोस्तों यहाँ पे होंडा सिटी में जो आपको 2.0 पॉइंट टू पैड मिलता था 7 इंचज़ का इन्फोटेनमेंट सिस्टम यहाँ पे कस्टमर्स का फीडबैक था कि ये ऑल दोस्ट सारे फीचर्स ऑफर कर रहे हैं फीचर रिच मिलता है बट ये थोड़ा लैगी है यानी कि थोड़ा कम रिस्पॉन्सिव आपको मिलता है तो जो अब आपको न्यू जनरेशन होंडा सिटी में इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा फर्स्टली वो आपको बिगर साइज का मिलेगा यानी कि एट इचेस का एंड सेकेंडली वो काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिव भी मिलेगा बाकी अदर फीचर्स आ रही है आपको सेम कॉन्टिन्यूट मिलते हैं जैसे कि एपल का प्ले एंड्रॉड ऑटो इन बिल्ड नेविगेशन यहाँ पे ब्राउजर भी यूज कर सकते हैं इमेजे व्यू कर सकते हैं वीडियो को प्ले कर सकते हैं रिवर्स पार्किंग कैमरा का डिस्प्ले भी मिलेगा और जो ब्लाइंड स्पॉट कैमरा है उसका भी डिस्प्ले मिलता है यहाँ पे आपको जो वॉलपेपर है वो भी कॉन्फिगर कर सकते हैं एंड मल्टीपल सेटिंग्स भी यहाँ पे अवेलेबल रहेंगी तो बहुत ही बढ़िया फीचर रिच आपको बहुत ही रिस्पॉन्सिव इन्फॉर्टेशन सिस्टम अब न्यू जनरेशन होंडा सिटी ऑफर करेगी नेक्स्ट ऑप दोस्तों यहाँ पे होंडा सिटी आपको फाइनली ऑफर करेगी कनेक्टेड कार फीचर्स यानी कि कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी जैसे कि होंडे एवेन्यू क्रेटा साथ में एम जी हेक्टर कीयर सेल्टर्स एंड ये सब व्हीकल्स में अवेलेबल हैं इवन आपको टाटा नेक्सवान भी ऑफर करती है और फॉर इको स्पोर्ट में भी दिया गया है तो कनेक्टेड कार फीचर्स बेसिकली आप स्मार्टफोन के ऐप से यहाँ पे व्हीकल स्टेटस एंड व्हीकल इनफॉर्मेशन चेक कर सकते हैं साथ में यहाँ पे आपको व्हीकल की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी व्हीकल को स्टार्ट कर सकते हैं स्टॉप कर सकते हैं लॉक कर सकते हैं अनलॉक कर सकते हैं प्री हीट एंड प्री कूल भी कर सकते हैं तो काफ़ी सारे यहाँ पे आपको फीचर्स मिल जाते हैं एंड इवन ये एलेक्सा इनेबल्ड भी दिया गया यानी कि एलेक्सा के थ्रू भी आप ये फ़ीचर्स कंट्रोल कर सकते हैं जो कि कुछ स्पेसिफिक लिमिटेड होंगे तो ये बहुत ही बढ़िया यहाँ पे दोस्तों फीचर ऐड करा जा रहा है राइट so यहाँ पे कनेक्टेड कार फीचर्स आपको मिल जाते हैं एंड न्यू जैन सिटी आपको कम्प्लीटली फीचर रिच मिलने वाली है अब बात करते हैं नेक्स्ट फीचर के बारे में तो वो है सेफ्टी फीचर्स जो कि यहाँ पे न्यू ऐड करे जाएंगे जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम हिल स्टार्ट असिस्ट एंड इवन यहाँ पे रियर मिडिल पैसेंजर के लिए आपको थ्री पॉइंटर सीट बेल्ट भी मिल जाती है तो काफी सारे यहाँ पे न्यू सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं अदर सेफ्टी फीचर्स आपको कॉन्टीट मिलते हैं जो कि पहले भी अवेलेबल थे जैसे कि सिक्स ईयर बैग्स ए बी एस डी बी चाइल्ड आइसो फिक्स माउंट एंड रियर कैमरा एंड फाइनली गाइज यहाँ पे आपको 1.5 पॉइंट फाइव लीटर डीजल में अब आपको सी वी टी मिल जाता है जो कि आपको एक्सेप्शनल माइलेज डिलीवर करेगा फॉर अ सी सेगमेंट सिलैंड जो है बिटवीन ट्वेंटी सेवन टू ट्वेंटी एट के एम पी एल की माइलेज जो कि बहुत ही ज्यादा बढ़िया होने वाली है एंड अब बात करते हैं नेक्स्ट फीचर के बारे में या नेक्स्ट थिंग के बारे में तो यहाँ पे जो हॉन्डा सिटी न्यू uh, जनरेशन है ये आपको वैराइटी ऑफ इंजन ऑप्शन एंड ट्रांसमिशन ऑप्शन ऑफर करेगी तो यहाँ पे 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन जो आपको पहले मिलता था वो अभी भी मिलेगा उसमें पहले फाइव स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स अवेलेबल था अब आपको यहाँ पे सिक्स स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स मिल जाता है जो कि हाईवेज़ में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहता है तो यहाँ पे 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन मिलेगा विद सिक्स स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स एंड सी वी बॉक्स एंड वन लीटर डीजल इंजन भी मिलेगा आपको स्पीड मैनुअल एंड सी डी बॉक्स के साथ तो ये बहुत ही रिफाइंड आपको इंजन मिलेंगे बी इंजन दिए जा रहे हैं एंड गाइज नेक्स्ट एस्पेक्ट या फिर नेक्स्ट फीचर के बारे में बात करें तो जो न्यू जनरेशन हॉन्डर सिटी है उसमें आपको जो बिल्ड क्वालिटी है वो भी इंप्रूव मिलेगी जो फॉरन मार्केट्स में या जो इंटरनेशनल मार्केट्स में न्यू जनरेशन हॉन्डर सिटी लॉन्च हुई है तो वैसे ही सेम यहाँ पे इंडिया में भी लॉन्च होनी है एंड उसकी भी बिल्ड क्वालिटी वहाँ पर इम्प्रूव करी गई है एंड यहाँ पर एक्सपेक्टेड है कि जो इंडिया में लॉन्च करी जाएगी उसकी भी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव करी जाएगी इसी के साथ पे आपको अदर फीचर्स भी मिल जाते हैं जो कि पहले से कॉन्टिन्यूट मिलेंगे जैसे कि एलईडी हेड लैम्प एलईडी फॉग लैम्प एंड एल ईडी टेल लैम्प तो ये पहले लॉन्च होने वाली थी अप्रैल 2020 में बट ड्यू टू कोरोना वायरस पैन डायमिक इसके लॉन्च डिले हो गया तो ये लॉन्च होगी जून में जून फर्स्ट वीक या फिर जून सेकंड वीक में इसको डेफिनेटली लॉन्च करा जाएगा काफी सारे यहाँ पे न्यू फीचर्स ऑफर करे जा रहे हैं बिल्ड क्वालिटी इंप्रूव आपको मिलती है वैराइटी ऑप्शन एंड ट्रांसमिशन ऑप्शन मिल जाते हैं साथ में जो डीज़ल ऑटोमेटिक यानी कि डीज़ल सी की माइलेज है वो भी आपको बहुत ही सुपर लेटेव मिलेगी सो so, ये सारे यहाँ पे चेंजेस आपको मिलेंगे काफ़ी सारे एक्सपेक्टेशन है न्यू हॉन्डर सिटी से इसका प्राइस भी इंक्रीज़ करा जा रहा है बिटवीन ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव थाउजेंड एंड जो टॉप एंड मॉडल है वहाँ पे आपको डीज़ल सी भी मिलेगा तो उसका प्राइस लगभग वन पॉइंट टू फाइव लैक ज़्यादा होगा कंपेयर टू डीज़ल मैनुअल तो ये सारे कुछ आपको चेंजेस मिल जाते हैं तो आज की वीडियो दोस्तों इतना ही मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर ले बेल आइकन को प्रेस कर ले एंड अगर कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में या फिर हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पर